हेलो डियर स्टूडेंट्स, बेटा जो कल रियल नंबर्स का टेस्ट आपको दिया गया था उसके सॉल्यूशंस हैं। आप इसको अच्छे से चेक कीजिए और देखिए आपकी गलती कहाँ कहाँ है। फर्स्ट क्वेश्चन, टर्मिनेटिंग डेसिमल सांत हमें बताना था कहाँ पर है। तो आपको पता है कि नीचे के डिनोमिनेटर्स हर को चेक करते हैं हम कि कहाँ पर 2 और 5 के फैक्टर्स आ रहे हैं और बिल्कुल लोएस्ट फॉर्म में होना चाहिए नंबर आपका। तो इनमें से 8 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 की पावर 3, तो इसका टर्मिनेटिंग डेसिमल है। अब 6/15 के बारे में पूछा गया कैसा है, तो देखिए इसको हमने फैक्टर कर लिए, 2 × 3, 3 × 5, 3 से 3 कैंसिल हो गया, नाउ वी आर लेफ्ट विद 2/5, सो इट इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल सांत। अदरवाइज अगर बेटा इसको आप डायरेक्ट करते 3 × 5 करके सीधा ही आंसर दे देते कि 3 आ रहा है इसलिए असांत है, ऐसा नहीं करना है। लोएस्ट फॉर्म में आपको क्वेश्चन को चेंज करना है पहले। नेक्स्ट देखिए, इनमें से एलसीएम क्या दिया गया है, एचसीएफ क्या नहीं हो सकता। तो आपको पता है कि एचसीएफ हमेशा एलसीएम को पूरा पूरा भाग करता है, तो 300 क्योंकि इसे भाग नहीं कर रहा इसलिए यही हमारा आंसर है। इसके बाद प्राइम फैक्टर करने थे, दैट इज़ वेरी वेरी इजी। अगेन 12/15 के बारे में बताना था, फिर से हमने इसे लोएस्ट फॉर्म में किया। 4 − √3 इरेशनल नंबर, इनमें से चेक करना है कौन सा इरेशनल है। तो 36/64 अंडर द रूट इज 6/8, दिस इज 1/9 है ना, और −9/7 वो भी एक परिमेय संख्या है, रैशनल नंबर है ना। इनमें से कौन नहीं है रैशनल नंबर, √3/5। प्राइम नंबर बताना है, सो दैट इज 11। 5, 15 और 20 के एलसीएम और एचसीएफ का रेशियो हमें बताना है। तो आपने तीनों नंबर्स का एलसीएम निकालेंगे, आप एचसीएफ निकालेंगे, तो एलसीएम हमें मिल गया 60 और एचसीएफ मिल गया 5। अब इसका रेशियो बोला है, तो पहले जो बोला है पहले आप वही रखेंगे, यानी कि 60, उसके बाद 5 कट जाएंगे दोनों, रेशियो इज 12:1। कौन अपरिमेय नहीं है, विच इज नॉट एन इरेशनल, दैट मीन्स रेशनल होना चाहिए। अब देखिए ये सारे इरेशनल नंबर है, √121 इज 11 सिंपली, सो आंसर इज डी। अब नेक्स्ट बोल रहा है a × 18 का एलसीएम ये है और एचसीएफ 2 है, तो a बताइए। तो हमें फॉर्मूला पता है, दो नंबर्स का प्रोडक्ट इज इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ, उसी फॉर्मूले से हमने a निकाल दिया 4। p और q दो प्राइम नंबर्स हैं, तो उनका एचसीएफ क्या होगा, प्राइम नंबर्स में कुछ भी कॉमन नहीं होता है ना, तो एचसीएफ हमेशा उनका 1 होगा। सबसे छोटी अभाज्य लीस्ट प्राइम नंबर कौन सा है, 2 है, और सबसे छोटी भाज्य कौन सी है बेटा, कंपोजिट नंबर 4 है। इन दोनों का हमें गुणनफल प्रोडक्ट बताना है, आंसर इज 8। दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्याएं हो सकती हैं, बिटवीन टू रैशनल नंबर्स हाउ मेनी रैशनल नंबर्स कैन बी देयर, अनंत, इनफाइनाइट। कौन अपरिमेय संख्या है, अगेन √2.5, क्योंकि जब आप इसे सॉल्व करेंगे, देखिए √2.5 इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, 25/10, तो √25 तो आपको पता है 5 आ जाएगा, लेकिन √10 कैसा है, इरेशनल नंबर, इसको हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे, रैशनल नंबर में चेंज नहीं कर सकते, इसलिए टोटल नंबर इरेशनल है। नेक्स्ट इसी में एक नंबर डालना रह गया था बेटा, तो इसको 15 नंबर दे दिया, √2 कैसा नंबर है, इरेशनल। 1.34 को आप कैसे लिख सकते हो, डेसिमल हटा दिया सीधा इसका, 134/100, और कट के हमारे पास आ जाएगा 67/50। नेक्स्ट, क्या सभी वास्तविक संख्याएं एक परिमेय संख्या होती है, नो। और आर ऑल रियल नंबर्स रैशनल, नो। रैशनल नंबर सारे रियल नंबर्स होते हैं, लेकिन रियल नंबर सारे रैशनल नहीं होते, क्योंकि उसमें इरेशनल नंबर्स भी इंक्लूड होते हैं। नेक्स्ट है 0.23 बार को परिमेय संख्या के रूप में हम पहले 9th में करते थे ये काम, सो आंसर इज 23/99। दो संख्याओं का गुणनफल, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज एचसीएफ इंटू एलसीएम। कितने स्थान के पास सांत होगा, तो 2 और 5 है, लोएस्ट फॉर्म में है, अब हाईएस्ट पावर चेक कर लेंगे 4। 50 और 25 के एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल क्या होगा,
तो हमें पता है कि अगर मैं नंबर्स को ही आपस में मल्टीप्लाई कर दूं तो एस सी एफ इंटू एल सी एफ मुझे मिल जाएगा। तो सीधा आंसर आ गया 25 इंटू 50, दैट इज 1250। 278 को किस संख्या से भाग करें कि जो आंसर है वो 12 आ जाए और रिमाइंडर 2 हो। तो दैट मीन्स बेटा कि 278 शुड बी इक्वल टू 12x प्लस 2। तो x इक्वेशन बन गई, x आपके पास आ जाएगा 23। नेक्स्ट देखिए, ए इज दिस, बी इज दिस, एलसीएम बताना है। आपको पता है हाईएस्ट पावर चेक करेंगे हर फैक्टर की, उसके अकॉर्डिंगली ये बन गया। एससीएफ निकालते टाइम छोटी पावर्स आप चेक करेंगे, तो एस सी एफ इज दिस। 1/17 को किस संख्या से गुणा करें कि आफ्टर 3 प्लेसेस ये टर्मिनेट हो जाए। तो कई बार हमने कर रखा है ये क्वेश्चन, 17 को आपको हटाना है नीचे से, तो इसलिए 17 को ऊपर मल्टीप्लिकेशन में डाल दिया। और क्योंकि 3 स्थान के बाद टर्मिनेट करना चाहिए तो 2 की पावर 3 लिख दिया। हम 5 की पावर भी लिख सकते थे 3। 26 क्वेश्चन, दो से अधिक भाज्य संख्याओं का एस सी एफ क्या होगा। एस सी एफ ऑफ टू और मोर प्राइम नंबर्स इज ऑलवेज 1। कौन परिमेय संख्या है, रैशनल नंबर्स है। तो ये देखिए इरेशनल है, ये इरेशनल, ये इरेशनल, यहाँ लेकिन रूट टू से रूट टू कट गया, खाली 2 बचा विच इज अ रैशनल नंबर। दो क्रमिक कॉन्सिक्यूटिव सम इवन नंबर्स का एस सी एफ क्या होगा। जैसे 2 और 4 है तो एस सी एफ क्या होगा, 2 होगा। 4 और 6 एस सी एफ 2 होगा। तो जो भी जो लगातार आ रही हैं इवन नंबर्स, उनका एस सी एफ हमेशा 2 होगा। एस सी एफ इंटू एल सी एम किसके बराबर होता है, ए इंटू बी, प्रोडक्ट ऑफ दोनों नंबर्स का, है ना। नेक्स्ट देखिए, पाई कैसा नंबर है, इरेशनल। कौन अपरिमेय नहीं है, इसका मतलब परिमेय मांग रहा है। तो ये सबको सॉल्व कर लिया, देख लीजिए ये सारे आपको इरेशनल नजर ही आ रहे हैं, लेकिन जब यहाँ इसके फैक्टर करोगे 25 × 3 और नीचे 16 × 3, अंडर रूट 3 से अंडर रूट 3 कट गया, यहाँ बचा 5/4, और वो कैसा नंबर है, इरेशनल। इसलिए ये इरेशनल नहीं है। रूट 3 रूट 5 कैसे है, इरेशनल है। किस भिन्न का दशमलव प्रसार शांत होगा, टर्मिनेटिंग होगा, तो आप इसे सॉल्व करके देख लेंगे, जहां 2 और 5 आ रहे हैं खाली, वही हमारा आंसर है। 2.121 121 1121, है ना, फिर 4 × 1, यानी कि कोई भी सेम नंबर रिपीट नहीं हो रहा बेटा, इसलिए ये इरेशनल नंबर है। √3/√12, दिस इज √3 √3 × √4, √3 से √3 कट गया, 1/2 आंसर। सो हैंस इट इज अ इरेशनल नंबर। 3 − √3 क्लियर कट इरेशनल। अगेन बाहर के साथ है, इसका तो सेम नंबर रिपीट हो रहा है, और इसको हम एक परिमेय संख्या के रूप में बदलना जानते हैं, तो ये एक परिमेय संख्या है। यहाँ देखिए बेटा, ए भाज्य और भाजक बी के लिए कौन सी स्टेटमेंट ठीक है। तो रिमाइंडर के लिए हमें चेक करना है, तो हमें पता है रिमाइंडर 0 भी हो सकता है, उससे बड़ा होना चाहिए, लेकिन भाग करने वाली संख्या से हमेशा छोटा होना चाहिए, ठीक है। तो करेक्ट आंसर इज सी। 5√2 कैसा है, इरेशनल। 5.2372 टर्मिनेटिंग दिख रहा है आपको, तो ये एक रैशनल नंबर है। कौन सी संख्या विजाती है, मतलब सबसे अलग है, डिफरेंट है। अब आप देखिए यहाँ पे ये रैशनल है, ये 5/7 रैशनल है, ये भी एक रैशनल है, एक ये नंबर ऐसा है जो कि इरेशनल है, इसलिए ये सबसे अलग है। कौन सा परिमेय है, रैशनल है, तो यहाँ पे फिर से आपने सॉल्व करके आंसर दे दिया। निम्न में कौन अलग है, यहाँ पे भी हमें यही चेक करना है कि कौन सा रैशनल है, एक नंबर आपको डिफरेंट दिया गया होगा। कौन सी अभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर है, तो 29 आंसर। 3.27 बार परिमेय संख्या है। किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या का रूप, इवन नंबर कैसे शो करते हैं, 2m, 2m प्लस 1 इज और, 2m माइनस 1 इज और, माइनस करोगे प्लस करोगे हमेशा और, और खाली 2m है तो इवन नंबर है। m प्लस 2 के बारे में हम कुछ नहीं कर सकते। निम्न में कौन सा अपरिमेय नहीं है, इसका मतलब रैशनल हमसे मांगा गया है, तो सॉल्व करके देख लीजिए, ये आ गया 8/9, और इसलिए ये ही रैशनल है। सह अभाज्य संख्याओं का युग्म, द पेयर ऑफ को प्राइम नंबर जिनका एस सी एफ 1 है, तो आंसर इज सी।
5 raised to the power 13 एंड 2 raised to the power 6 का एलसीएम बताइए। दोनों बेटा आपको देख रहा है कि अभाज्य संख्याएं दे रखी हैं, तो एलसीएम कितना होगा 1। 225 कैन बी एक्सप्रेस एज प्राइम फैक्टर हमने कर दिए, तो हमें आंसर मिला 5 square into 3 square, तो आंसर इज सी। तो आई होप बेटा कि आप सॉल्यूशंस भी समझ गए होंगे, अपनी गलतियों को समझिए और उनसे बिल्कुल दूर रहना है आपको। कीप ऑन लर्निंग, स्टे ब्लेस्ड।